ये आप बड़े हैरान होंगे, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों के आमदरफ्त की जगह है, और यहाँ रेंट ए कार चल रहा है। मार रोड की हम बात कर रहे हैं और ये आपको दिखाई, ये वही सर्विस लेन है जहाँ हम खड़े हैं। आप पीछे देखें हालात, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थ्रू आउट आपको पार्किंग स्टैंड बना नज़र आएगा। ये कोई तफरीका नहीं अब रही, लोगों का शॉपिंग मॉल भी नहीं रहा, सिर्फ इधर पार्किंग स्टैंड। ये स्पोर्ट्स कारें आपको नज़र आएंगी, ये स्पोर्ट्स कारें इधर रेंट अ कार के लिए चलती हैं। और ये थ्रू आउट ये देखें, ये भी आपको बड़ी खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियाँ नज़र आएंगी। और इन गाड़ियों को यहाँ पर कौन लगवाता है, कौन जिम्मेदार है, किसको पता है, कौन जानता है, और ट्रैफिक पुलिस भी इधर होती है। अभी इंस्पेक्टर साहब से भी हम बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं ये ताज़ा हज़रात, इनसे पूछते हैं कि क्या इनको पता है ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ जो हैं यहाँ लगती हैं रेंट ए कार के तौर पर, ये कब से चल रही हैं। मीर साहब ये क्या कहानी है, ये क्या सूरत हाल है? ये तो हमें, मेरा ख्याल है 6 महीने से हम ये बात कर रहे हैं, और हमने ट्रैफिक पुलिस से भी बात की है, पार्किंग कंपनी से भी बात की है, और ये बेबस है। ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि ये पार्किंग कंपनी करेगी। इन दोनों की जंग में ताजर पिस रहे हैं। अब आप बताएं कि कौन करेगा, ये कौन करेगा? अभी ये इस अजर ट्राई करते हैं कि अभी पता चल जाए कि कौन करेगा। मलिक साहब मेरे साथ हैं जी, चौहान साहब, ये पार्किंग कंपनी की आपकी सारी जगह है तकरीबन, पूरा पाकिस्तान आपका है? नहीं, जहाँ मर्जी आप गाड़ी लगवा के तो पर्ची ले लेते हैं। ये क्या, ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ लगी हुई हैं जी? हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, ट्रैफिक पुलिस से 2-3 दफा पर्चा भी करवाया इसके ऊपर। ये हमारे खिलाफ स्टे लेकर, मतलब कोर्ट में स्टे ले लिया इसने हमारे अगेंस्ट। तो वो स्टे जैसे ही मामला हल होता है इंशाल्लाह, तो 26 तारीख है उसकी, तो जैसे ही मामला हल होगा हम बाहर निकालेंगे इनको। ये रेंट ए कार का वो बोर्ड भी लगाता होता है, ये आज आपको देख के बॉर्डर डाल लिया इन्होंने। कितनी गाड़ियाँ इनकी इधर? ये 3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आज 2 हैं। 3 गाड़ियाँ, और ये कितना इधर से कैसे रेंट अ कार करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है? उस पर नंबर लिखा होता है इनका, इनको कॉल करके लोग अपने साथ बुक करते हैं, कोई इस तरह का सीन है इनका। और ये सरेआम इन्होंने गाड़ियाँ लगाई? हाँ जी सरेआम, यूनियन ने भी कोशिश की हटाने की, नहीं हटती, बदमाशी से लगी हुई है। यूनियन क्यों नहीं कर पाई कुछ? हमने सदर साहब, जनाब सदर जी, मैं अगर आपका हुक्म हो तो मैं बंदे बुला के इनको उठा लेते हैं हम कंधों पे, और जहाँ कहते हैं इनके पार्किंग कंपनी को पहुँचा देते हैं, या CTO साहब के ऑफिस में पहुँचा देते हैं। हम तो यही कर सकते हैं, पब्लिक को पता है आपके कंधे बड़े मजबूत हैं। हाँ नहीं, हम तो ये करेंगे फिर अल्टीमेटली, अगर ये दोनों नहीं करेंगे। ये क्या है सर? देखिए उस्मान चौहान साहब ने आपको बता दिया है, मुद्दा ये है कि पार्किंग जो है वो ये सर्विस चलते हैं मेरे साथ, वो देखें जो पार्किंग है, चलते हैं आपको पता चलेगा कि यहाँ, क्योंकि शहर लाहौर में 11 प्लाजो की इसको जरूरत है, और इसमें बकायदा जो है वो सूरत हाल आपके सामने ही है। अब ये देखिए फुटपाथ है, फुटपाथ पे कुछ लोगों ने बसेरा कर लिया है, माल रोड है, ये माल रोड है जो शहर इक्तदार था पहले, और अब ये अभी भी जो PM है पाकिस्तान के, मुझे तो इस पे एक ही बात याद है, रहने वाले हैं इस पे। आप देखें जी, थोड़ा जाएं कैमरामैन जरा दोबारा दिखा सके इनको, ये लोग जो फुटपाथ पे करते हैं बसेरा, घर अगर इनके हैं तो ये घर क्यों नहीं जाते? जाए तो जाए कहाँ, मगर फिर भी ये वो मॉडल रोड है जहाँ पर बकायदा जो है थूक तक फेंकना मना है, और यहाँ पर अगर बसेरा करने वाले हैं तो फिर ये मुल्क और मौजूदा हुकूमत की अपनी जो है वो उनका। आपको ना बसेरे की नई काइंड एक दिखाता हूँ, नई किस्म मेरे साथ आई है, और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म है जी। आप देखें कि ये मार रोड पे हम खड़े हैं, और ये पुल है, ओवर ब्रिज है, और इस पर देखिए फैमिली किस तरह स्टे कर रही है, बड़े सुकून से ये लोग बैठे हैं, और ये फैमिली स्टे करती है इस सर्दी में, और उन्होंने जो सीढ़ियां हैं उनके इर्द गिर्द वो लगा लिया है अपना फ्लेक्सें लगा के, सर्दी है, और सर्दी से बचाव के लिए सर्दी है, ये खानदान इधर मुकीम है, इसके ये बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नहीं बोलता जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका बच्चा? जी मेरा भतीजा है मेरा। आप इधर ही स्टे कर लेते हैं? नहीं जी, शाम तक इतने रहने फिर घर चले जाए, बारिश बुरिश पवे देते रह लेते हैं। घर किधर है? गुलशन का। अपना घर लिया हुआ है क्या? नहीं, किराए पे। कितना किराया आप देते हैं? 8,000। तो इधर क्या करते हैं फिर, क्या सारा दिन मजदूरी वगैरह? हाँ जी। और कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे कोई नहीं है, मेरा भतीजा ही देता है। कितने फैमिली मेंबर्स इधर स्टे करते हैं? इधर ऐसे आप 6 हैं। और 6 किसे ही गुलशन रावी चले जाते हैं सर्दी में जी। तो ये जी एक साइड ये भी है, आप देख सकते हैं लोग यहाँ
गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी रोटी कमाते हैं, और मार रोड की हम ये सूरत हाल बता रहे हैं कि ये भी लोगों के हालात हैं यहाँ के मजदूरी करने के लिए। सीढ़ियों के नीचे उन्होंने एक चूल्हा भी जलाया हुआ है मार रोड पर, और वो फैमिली जो है वो पकवान वगैरह अपने लिए इस वक्त सर्दी में तैयार कर रही है। और बात सिंपल ये नहीं है, बात यह है कि यहाँ आप देखें इर्द गिर्द जहाँ भी आप देखेंगे आपको यहाँ कहीं भी पार्किंग के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो आप थोड़ी दुकानों के सामने से लेकर जहाँ मर्जी चले जाएं, ये पूरे का पूरा मार रोड आपको पार्किंग स्टैंड में बदला हुआ दिखाई देगा। जिधर भी चले जाएंगे पार्किंग स्टैंड बना हुआ दिखाई देगा, और इसकी वजह से लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो ट्रैफिक चौक होती है। जहाँ हम खड़े हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी ये तो आप पार्किंग के लिए देते हैं ना? बिल्कुल देते हैं, गाड़ियाँ नहीं इधर दे रहे? नहीं, यहाँ पर सिंगल रोल चला रहे हैं ना, जो अप्रूव्ड है नोटिफाइड है वही चला रहे हैं हम। और उधर वो जो पार्किंग के लिए स्टैंड बना हुआ है जी, हमारी लगती हैं गाड़ियाँ पीछे, आगे यूनियन ने मोटरसाइकिलें खड़ी करके आगे से जगह कवर की हुई है, अब वो मोटरसाइकिलें उनकी फुटपाथ पे भी आ रही होती हैं, ठीक है। उससे पीछे गाड़ियों की एक लेन अप्रूव्ड है, वहाँ पे हम पार्किंग लगा रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी की वैन्स पीछे आके खड़ी हैं, वो हमारा कसूर नहीं है, ली पार्क का कसूर नहीं है। मीर साहब, जब यहाँ ठेकेदारी निज़ाम था तो उनको इजाज़त थी कि सिर्फ वो फुटपाथ वाली साइड पर पार्किंग करें, उधर उनको पार्किंग की इजाज़त नहीं थी, ना वो लगाते थे टोकन ही लगाते थे, इनको दोनों साइडों पे इजाजत है कि ये दोनों तरफ टोकन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। देखिए आप ये ले रहे हैं तो इन्होंने, ये पब्लिक फैसिलिटी के इदारा है ना जो ये टोकन लगाता है, तो इनको चाहिए कि वो पैसे पब्लिक पे लगने चाहिए, को पार्किंग प्लाजा बने, को इनको फैसिलिटी मिले, यहाँ हाइड्रोलिक पार्किंग लगा दें, वो दो तीन जगह पे काफ़ी मसले हल हो सकते हैं, लेकिन स्वाय पैसे इकट्ठे करने के ये कोई काम ही नहीं कर रहे। हाइड्रोलिक में भी चंद गाड़ियां खड़ी होंगी, चले कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये जो जबल पार्किंग है ये तो खत्म हो जाएगी, कोई रास्ता तो खुल जाएगा, कोई अगर दो तीन जगह पे लगा दें ये तो काफी उसमें सहूलत मिल जाएगी। क्या मैकेनिज्म है जी, कहाँ पड़ा है पाइपलाइन में मंजूबा? पार्किंग है वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, इसलिए हम उस पर मजीद काम नहीं कर रहे। वो फिजिबल भी नहीं, और रखेंगे कहाँ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे वो, यहाँ पे इनका सारा स्ट्रक्चर सामने से खराब कर देंगे। वो मॉडल ऐसा नहीं है कि वो सारी अकोमोडेट कर सके गाड़ियाँ, बिल्कुल तो चंद गाड़ियाँ 12-13 आ जाएंगे, 12-13 आ जाएंगे, 12 गाड़ियों के लिए होता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं होता। अगर वो मंगाए वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, हम कैसे गवर्नमेंट को लॉस करवा दें? पार्किंग प्लाजा इज द ओनली सोल्यूशन, पार्किंग प्लाजा बनाएंगे तब गुजारा होगा, डिमांड को आप लोगों ने कैटर करना है। ये अब आप ये जरा कैमरे की आंख से दिखाएं कि आगे मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, उसके बाद डबल पार्किंग है, और उस डबल पार्किंग के बाद फिर तीसरी लेन। मेरे साथ आइए, इस तरह नहीं व्यूअर्स को समझ आ रही, आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जी वहाँ सूरत हाल क्या है। वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। चौहान साहब हमारे साथ हैं, दीगर अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, और देख रहे हैं ये सर्वे चल रहा है इस वक्त कि इस सर्वे के नतीजे में सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। और साथ में आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक वाले भाई इधर खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनका जो इधर काम करने का मामला है उसमें इनको क्या पता है कि ये जो लेन लगी हुई है, क्योंकि इनका क्लेम है पार्किंग का, चौहान साहब का क्लेम है कि यहाँ हम लोग जो हैं वो कोई सूरत हाल जो है, मैं ट्रैफिक पुलिस वाले से बात कर लूँ जी, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी जानना चाह रहे हैं कि वो इन पर क्या कहते हैं। हाँ जी मीर साहब, ये तो तीन की लेन है ये पूछ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस, सेहत कैसी है आपकी, नाम आपका क्या है? अवैस साहब, बड़ा प्यारा नाम है। अवैस साहब, मुझे आपसे छोटी सी बात जाननी है, ये जो लेन लगी है सारी थ्रू आउट ये लेन, हाँ ये लेन, ये चंद मोटरसाइकिलें, मतलब कोई 50 के करीब मोटरसाइकिलें हैं, इसके पीछे सारी गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ चेरिंग क्रॉस तक चलती हैं थ्रू आउट हैं, क्योंकि ये सर्विस लेन चलती जाती है वहाँ तक। तो ये पार्किंग वाले कहते हैं, चौहान साहब से अभी हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि भाईजान मुझे तो नहीं पता, वो कहते हैं पार्किंग वालों, पार्किंग आप पुलिस से पूछें, ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं ये गाड़ियाँ उठाती, पार्किंग स्टैंड वालों ने तो ये जगह नहीं रखी हुई, ना ये हमारी स्लॉट है जिसमें हमने गाड़ियाँ लगानी है। वहाँ पे ली पार्क के बोर्ड तो लगे हुए हैं। हाँ चौहान साहब, ली पार्क के कहते बोर्ड लगे हुए हैं? देखिए ली पार्क के बोर्ड जो नोटिफाइड पार्किंग होती है वहाँ पे हम मोटरसाइकिलें लगा ली सिंगल लेन, उसके पीछे अगर कोई आके गाड़ी खड़ी करके बैठ जाता है ट्रैफिक पुलिस ने रिमूव कराना है। वी डोंट हैव द इन्फोर्समेंट राइट्स, जिनके पास इन्फोर्समेंट राइट है वही अड़ा सकता है ना, आप किसी सिटीजन की गाड़ी। आपने कोई लव लेटर लिखा ट्रैफिक पुलिस के हेड को, सिटी साहब को बताते हैं भाईजान ये हम नहीं है, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस हमें हेल्प आउट भी करती है, उठाते हैं ये बार बार, सारा दिन यही कुछ ही होता रहता है, लिफ्टर उठाता रहता है, उसके बाद लोग पीछे से आके फिर लगाना शुरू हो जाते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। क्या हाल है फिर, देखे पीछे जरा, पीछे जरा देखे लाइनें लगी हुई है। ये कह रहे हैं आप सुन रहे हैं गुफ्तगू,
दिलचस्प हो गई गुफ्तगु। देखें फिर फा साहब मैं वही कहूँगा कि आप ये माल रोड का ये सूरत हाल है, पूरे शहर की यही सूरत हाल है, अनारकली चले जाएं यही सूरत हाल है, माल रोड, हाल रोड, शालमी, अंदरून शहर, लोहारी, शेरावाला, गुलबर्ग, इवन के पोस्ट इलाके में चले जाएं यही सूरत हाल है, क्योंकि पार्किंग की एक एक मोटरसाइकिल जो है वो चार्ज हो रही है, वो चाहे 30 रुपए में हो रही है चाहे 50 रुपए में हो। ये तीन लाइनें क्यों है? आइए मेरे साथ चौहान साहब। तीन लाइनें इधर क्या है? ये थ्रू आउट है, ये भी नहीं है आपका? लगाई हुई है अपनी, नो पार्किंग। आए मेरे साथ, आए मेरे साथ, आए मेरे साथ। अवैध साहब एक मिनट आइए, अवैध साहब आइए। नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ, ये हमारी पार्किंग साइड नहीं है। नो पार्किंग का बोर्ड लगा तो ये क्यों लगाई? लगा हुआ है, लोगों ने लगाई हुई है जी जबरदस्ती। अब ये पार्किंग कंपनी का काम थोड़ी है कि ये गाड़ियां उठाए। बिल्कुल सही बात है, पार्किंग कंपनी का काम है, बिल्कुल सही है। अवैध साहब एक सेकंड मुझे दें। अवैध साहब ये तो जिस जगह हम चल रहे हैं ये आप देखें वो पार्किंग, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, वो आप देख सकते हैं, है ना? कैमरामैन दिखाइए ज़रा। तो अवैध साहब ये डबल पार्किंग इधर लगी हुई है, दोनों लेन्स भरी पड़ी हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये तो उठनी चाहिए फौरन। दाना उठाता है, ये दाना ही आ जाती है। नहीं ये लिफ्टर चले उठाता, कोई नज़र तो आए, ये तो दो दो तीन तीन सौ गाड़ियाँ इकट्ठी लगी हुई, आप देख लें। देखें ये लाइन कितनी लंबी, लाइन आप दिखा सकते हैं। और ऊपर उर्दू में लिखा है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है। ये बोर्ड दिखाएं, ये बोर्ड जो उर्दू में लिखा हुआ, उर्दू वाला बोर्ड दिखाएं। और अगर यहाँ पर ट्रैफिक वाले चाहें, अगर ये चाहें तो अभी ये सारी गाड़ियां उठाई जा सकती हैं, इनका वो यहाँ पे लिफ्टर 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का काम है। और ये अगर ये चाहे, सब कितने लिफ्टर इधर काम कर रहे हैं? इधर लिफ्टर एक इधर है और एक आगे। तो ये आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई होती है सर, अभी 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 क्यों लगे? ये कैसे लग जाती है? वैसा बड़े मोहतबर अफसर है, आपने सख्ती नहीं करनी, प्यार से पूछे उनसे कैसे लग जाती है, कैसे लग जाती है, वो प्यार से पूछ रहे हैं। वास्तव आम को जगह नहीं मिलती कहीं खड़ी करने की, वो इधर लगा जाते हैं। आप तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ना। अब देखें ये दोनों दोनों रोड जो हैं ब्लॉक हैं, इसके बैक पे चले जाएं ब्लॉक हैं। मुझे याद है PIC है ना, PIC जेल रोड पे, तो मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई और मैं अंदर भी नहीं गया, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, लिफ्टर आया मुझे भी उसने उठा लिया, गाड़ी के अंदर बैठे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आपने, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की तो की क्यों? अगर आप चाहेंगे तो आपका लिफ्टर यहाँ पे खड़ा रहेगा तो गाड़ी कोई भी नहीं लगेगी, मैं भी नहीं लगा कर जाऊँगा, कोई भी नहीं लगा कर जाएगा। अब ये सरकारी रोड है, सर्विस लैंड है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर देखिए आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब हम उम्मीद रखें कि आप अपने अथॉरिटीज़ को बताएंगे और यहाँ ऑपरेशन को शुरू हो जाएगा। जरूर हमें अपने इंस्पेक्टर साहब को डिप्टी साहब, वैसा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सोने ये सारी चीज़ें जब हट जाएंगी, कल के खुदा जब गुजरेगी तो आसानी रहेगी, इससे आपको भी आसानी मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैसा, बहुत शुक्रिया। अच्छा टाउन इंतजामिया की नाकामी है, दो चार अली अकबर कुरैशी लगा दें, देखें फिर गाड़ियां कहां होती हैं। सीधी सी बात है, ऐसे ये सब लेने देने का चक्कर होता है, इधर से लिए उधर से दिए और ये सारा काम ऐसे चलता है। करना ही नहीं चाहता मैं, असल बात ये है कि जिसकी ड्यूटी है वो काम ही नहीं करना चाहता। जाहिर है यहाँ लिफ्टर भी मौजूद है, यहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी है वो मौजूद है। शुक्र मीर साहब भी बोले हैं, मैं समझता हूँ कि जिसकी ड्यूटी है वो काम करना ही नहीं चाहता, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हर बंदा अपनी ड्यूटी पूरी करे तो कोई मसाइल हो ही ना, कोई काम नहीं। देखिए आप यहाँ पे कम से कम 12-14 वार्डन्स की ड्यूटी होगी चौक में, लेकिन उसके बावजूद आपको नजर कोई नहीं आएगा वहाँ पे। अच्छा वार्डन अभी आप दिखाएं इनको कि रीगल चौक, हाईकोर्ट चौक और इधर असेंबली चौक, यहाँ पे माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ड्यूटी देते हैं कि 8 हो या 10 हो आपको रोड पे कोई वार्डन नज़र नहीं आएगा, वो जब इकट्ठे रहेंगे और बड़ा अच्छा है, इत्तफाक में बरकत है। मेरा ख्याल है वो इकट्ठे जो खड़े रहते हैं वो बड़ी अच्छी बात है, आपस में इनका बहुत इत्तफाक है। चौहान साहब की तो शाम आपने ख़राब आज कर दी। आए चौहान साहब मेरे साथ, कैमरामैन साहब भी आए, मैं तीन लेनों का भी आपसे चौहान साहब पूछना है। अभी बड़ी मज़र बातें हैं हमारी, एक ही है, बाकी लेन्स जो है ना वो लोगों ने ओवर पार्किंग की हुई है। आपको मैं अभी दिखाता भी हूँ कि जिस पे हमारा टोकन लगा वो एक लेन है। आवाम जो आके जब गलत लगाती है, हैवी फाइंस करें, इन्फोर्समेंट राइट्स दें हमें, हम सारी हटा देते हैं। अब हमारे पास कोई फाइन करने का राइट नहीं है। नहीं, इन्फोर्समेंट इख्तियार आपको तब दिया जाए ना जब आपके पास पार्किंग की कोई जगह हो। सर पार्किंग की जगह देखें, अच्छा, वो हमारा बेसिक इशू है। बात को बिल्कुल नहीं मानता,
इन्फोर्समेंट राइट इनको भी पता है, ये एम ही कहते जा रहे हैं, इन्फोर्समेंट राइट इनके पास है, ये लिखकर अपना मेट्रोपॉलिटन ना 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 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर, ये किसी को गाड़ी से लगाने से रोक नहीं सकते एमसीएल, मैं यही सकते लगाऊ, आप उनको इन्फोर्समेंट के हवाले से बात करेंगे तो वो आकर यहाँ पे पर्चे देंगे ना इनके ऊपर, वो सोए पड़े आकर तो पर्चे देते ना, तो अभी आप आ गए ना मेरी लाइन पर, देखे शहरी सहूलियात को आप अगर मैसेज करें दिखाए वो देखे मोटरसाइकिलों की, क्या जरा कैमरा दिखाए ना, क्या इधर भी लाइन है, इधर भी, ये भी नाजायज है, ये भी नो पार्किंग, ये भी है नो पार्किंग, ये भी आपकी पार्किंग नहीं, नहीं नो पार्किंग है, ये नो पार्किंग एरिया है, नो पार्किंग एरिया में पार्किंग हुई है। हाँ जी